अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के जरिए राजकीय लोहिया महाविद्यालय के समक्ष बने फुटपाथ का नवीनीकरण, सड़क की मरम्मत तथा महाविद्यालय के आगे बनी नाली की नियमित सफाई कराए जाने की मांग की है। एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण प्रजापत ने राजकीय लोहिया महाविद्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की भी मांग की गई है। उनका कहना है कि अगर शीघ्र ही हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। काफ़ी बार पहले भी नगर पालिका को अवगत करवा दिया गया है, इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस बार ये ज्ञापन देकर हम 15 दिन का ये अल्टीमेटम देते हैं, यदि 15 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो नगर परिषद के आगे धरना दिया जाए। इस अवसर पर नगर मंत्री ऋषिराज राठौर, इकाई अध्यक्ष नीरज मलिक, प्रकाश सिंह राठौर, नगर सहमंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौर, मोनित, वरुण शर्मा, सुनील रामसरा, मानसिंह राठौर, दिग्विजय राठौर, खेमचंद, चंद्र प्रकाश, आदेश, सौरभ, उमाशंकर, प्रमोद इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे।